आप हम बच्चों को लिखने के लिए कैसे प्रेरित करेंगी? पहली चीज तो मैं कहूंगी कि भाई अच्छी रचनाएं पढ़ो। पढ़ती तो है नहीं आप लोग, मुश्किल सारी क्या है, कोर्स की किताबें पढ़ ली, एक दो चीजें मुश्किल से किसी ने ठेल ठाल के पढ़ा दी तो पढ़ ली। जब तक आप पढ़ेंगी नहीं, लिखने की दिशा में आप नहीं बढ़ पाते हैं। अच्छी रचनाएं, अच्छे लेखकों को आप पढ़िए। पढ़ने के बाद अच्छा आप सोचे, आप पूछे मैं कैसे लिखने की दिशा में, कोई वो नहीं था, मतलब हमारे घर में लेखक कोई नहीं था, लेकिन पढ़ते सब थे। चाहे मेरे भाइयों ने अंग्रेजी में एमए किया, पर हिंदी की सब चीज़ें जो भी आता था पढ़ते जरूर थे। हमारे यहाँ पढ़ने का बड़ा वो था। और मैं छठी क्लास से मैंने इनको पढ़ना शुरू किया था, क्या बताऊँ मैं, यानी प्रेमचंद तो खैर पढ़ते थे, जो बंगला के लेखक हैं शरद चंद को हर गर्मी की छुट्टी में मैं बराबर पढ़ती रही। हर साल जितना सेट उनका निकलता था वो मैं पढ़ती थी। अनुदित, वो तो लिखते बंगला में थे, हिंदी में अनुवाद होता था, पर ऐसे अनुवाद थे वो कि बिल्कुल हिंदी जैसे ही लगते थे, लगता ही नहीं था कि ये बंगला के लेखक हैं। तो वो जितने पॉपुलर हिंदी में हुए हैं शायद ही कोई लेखक हुआ हो। खैर, तो पढ़ना शुरू किया। उसके बाद फिर और लेखक जुड़ते गए उसमें, जिनको पढ़ना शुरू किया, अमित अग्रवाल ने जोड़ा औरों को, तो सारे लेखकों को पढ़ना। कई तो मुझे याद है कि फर्स्ट ईयर में मुझे अभी की कुछ चीज़ें शेखर एक जीवनी वगैरह पसंद समझ में नहीं आई पूरी तरह से, पर पढ़ी कि पढ़ो, आगे जाके दोबारा पढ़ी तो समझ में आई। तो किस तरह से, जब तक आप पढ़ेंगी नहीं, आपको लिखना ऐसी चीज़ नहीं है कि कुछ तो देखिए इन्वॉल्व होती है व्यक्ति के एक उसके प्रति वो एक वो होता है, लेकिन कुछ आपको अगर प्रयास करना है, सबसे पहला काम करिए कि अच्छी रचनाएं पढ़ के आइए, फिर बताऊंगी कैसे लिखना चाहिए। परंतु आज तो कोर्स की किताबें ही खत्म नहीं होती। क्यों, हमारे भी कोर्स होते थे भैया, हमने भी कोर्स की किताबों के साथ ही पढ़ा है। वो तो आजकल पता नहीं काफी सारे प्रश्न ही ऐसे होते हैं कि एक साल खत्म हुआ, फिर दूसरे साल की किताबें, तीसरा साल खत्म, फिर बाद की किताबें। आजकल तो बल्कि यस नो में छोटे छोटे आंसर दे दीजिए आपके, बड़ा आजकल ये है कुछ टिक लगा दीजिए, यस नो बड़े संक्षिप्त। हम लोगों को तो बड़े बड़े आंसर देने पड़ते थे भाई, पढ़े हमने भी, देखो भैया कोर्स हमने भी पढ़ा है, मैट्रिक भी पास किया, इंटर भी किया, बीए भी किया, एमए भी किया, सब कुछ किया हमने भी, लेकिन उसके साथ ही पढ़ते थे हम तो। ऐसी बात नहीं कि पढ़ा नहीं जाता है, रुचि नहीं है, रुझान नहीं है आप लोगों का, मुश्किल ये है, और उस तरफ कोई प्रेरित भी शायद बहुत अधिक नहीं करता है आप लोगों को। आपके लेखन में भाषा की इतनी सहजता कैसे मिलती है, कैसे संभव है ये? उसके लिए कोई खास प्रयत्न करती हैं आप? नहीं, शुरू से ही ना मैंने कभी प्रयत्न किया, बस यूँ कह लीजिए मैं जितनी सहज हूँ मेरी भाषा भी उतनी सहज है। कोई लोग आते हैं जैसे इंटरव्यू वगैरह के लिए, अरे हम तो इतना डर रहे थे आपके पास आते हुए ना कि हम एक लेखिका से मिलने जा रहे हैं, आपको देख के तो लगता ही नहीं कि आप लेखिका हैं, ऐसा सहज हूँ। उनको लगता है कि आप तो घरेलू गृहिणी भी तो हैं ही। अरे मैंने कहा मैं हूँ गृहिणी तो लगूंगी गृहिणी, तो अब लेखिका कैसे लगा जाता है, या चप्पी चिपका के रखूँगी कैसे लगा जाता है? मैंने कहा भाई कोई मुझे बता दे तो मैं भी वो करूँ, मुझे नहीं लगता है। बहुत बौद्धिक किस्म की बातें करो, आप आए हैं तो आतंकित सामने वाले को कर दो, बड़ी बौद्धिक बड़ी ऊँची बातें, बड़ा कुछ वो इंटेलेक्चुअलिज्म झाड़ो। मैं बहुत सहज बात करती हूँ, जैसे मैं जवाब दे रही हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना? तो ऐसी मेरा लिखना, ऐसी मेरा बोलना, ऐसी मेरा जीवन। मनु जी, आप एक गृहिणी भी हैं, नौकरी भी करती रही हैं और घर भी देखती हैं, उसके बीच में लेखन के लिए समय कैसे निकाल लेती हैं? बहुत ये सही प्रश्न है आपका, मतलब संकट मतलब जिसे कहना चाहिए। एक तो औरत के जिम्मे, हमारे जो खास करके नौकरी करने वाली औरत के जिम्मे, आज की पढ़ी लिखी औरत जो नौकरी करने जाती है उसकी जिम्मेदारियां इतना गुना बढ़ गई हैं। भाई पहले वाली औरत ही मेरी माँ थी, घरेलू काम करती थी, अपना खाना बनाया, ये किया, वो किया, मतलब घर का जो काम है, घर ही उनकी दुनिया थी। सच पूछो तो उनकी दुनिया भी घर ही थी,
और हम लोग ही उनके लिए सब कुछ थे, बच्चे और पति। हमारे लिए तो बाहर का भी घर का भी सब कुछ हमको मैनेज करना पड़ता है। और मुझे तो विशेष रूप से, क्योंकि राजेन का जो मेरे पति थे उनका मुझे कुछ तिल भर में सहारा नहीं, जो भी कुछ करना है तुम करो, सारे बाजार के काम तुम करो, बच्चे का होमवर्क तुम करो, बच्चे के स्कूल तुम जाओ, कभी कभी बुलाते थे तो तुम जाके मिल लो, क्या काम है, ये करो वो करो वो करो। उसके बीच में ये सही, क्योंकि राजेन के लिए जिंदगी में प्रायोरिटी में फर्स्ट पहली प्राथमिकता थी लिखना, वो लेखन को सबसे नंबर वन पे रखते थे। वो जब मर्जी आई उठे और बाहर में चले गए, लिख के ले आए, कुछ लिखने चले गए, बाहर चले गए, ये वो। मुझे तो ऐसी सुविधा नहीं थी कि मैं चली जाऊँ, पर फिर मुझे मेरी पहली प्राथमिकता थी मेरी बच्ची, दूसरी प्राथमिकता थी मेरा जॉब, मेरी स्कूल की कॉलेज की बच्चियाँ, मेरी छात्राएँ, जहाँ से मुझे पैसा मिलता है उनके प्रति मेरी जिम्मेवारी भी है, बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी अगर ईमानदारी से निभाऊँ। और इसमें कोई शक नहीं कि मैंने जब भी जॉब किया मैंने बहुत ईमानदारी से किया, इसीलिए मुझे शायद लोकप्रियता भी मिली पढ़ाने में भी। तो मेरी छात्राएं आज भी याद करती हैं कि हाँ पढ़ाती थी। इसके बाद फिर घर आता था, घरेलू जिम्मेदारियाँ आती थी। प्रायरिटीज़ में मैं करूँ तो बच्ची, तो फिर अपनी छात्राएँ, तो फिर अपना घर, इन सब के फिर बाजार के सारे काम, यानी कि मिस्त्री को बुला के लाना है तो मैं लाऊं, प्लम्बर को बुला के लाना है तो मैं लाऊं, इलेक्ट्रिशियन को बुला के लाना है तो मैं लाऊं, और खड़े रह के काम करवाऊं तो करवाती थी, करवाना पड़ता था, घर तो चला नहीं पड़ता था ना। अब उसके बाद रहे सहे समय कहाँ रहता था, रात का समय मेरा लिखने का समय होता था। मैं अधिकतर मैंने जैसे पर जब कहानियाँ वहानियाँ तब तो ठीक है आपने लिख ली, और एक मेरा लिखने का ढंग थोड़ा सहज था ना, अगर दिमाग में आ गई कहानी कि इस तरह से मुझे लिखना है, बैठ गई तो लिख भी जाती थी आसानी से। पर मैंने सोचा मुझे एक उपन्यास लिखना है, उपन्यास लिखना है तो इस तरह से तो नहीं होगा कि मैं उपन्यास बिल्कुल मूड बना के मैं बैठी और धोबी आ गया, ये कपड़े ले दीजिए, कपड़े ले लीजिए, अरे या नौकर आ गया कि खाना क्या बनेगा, सब्जी के पैसे ले लीजिए, सब्जी क्या आएगी, उफ। मैंने कहा ऐसे नहीं लिख सकती मैं उपन्यास। तब मैं पहली बार घर से, आप सोचो अपने ही कॉलेज के हॉस्टल में एक कमरा लिया मैंने, प्रिंसिपल से मैंने कहा मुझे कुछ लिखना है, मुझे एक महीने के लिए कमरा दीजिए। उन्होंने कहा लिखने के लिए ज़रूर ज़रूर, एक कमरे का इंतजाम कर दिया उन्होंने, ले लिया, शिफ्ट हो गई। सैटरडे को घर आती थी, संडे को घर रहती थी, मंडे को फिर चली जाती थी, थर्सडे को। इसमें प्रॉब्लम, यानी औरतों की कितनी प्रॉब्लम्स रहती हैं, कोई भी लिखना ही नहीं किसी भी कला के प्रति, अगर वो संगीतज्ञ है, वो नर्तक है, कोई भी चीज़ जो आपका पूरा समर्पण चाहता है, जो कला पूरा समर्पण चाहती है, ऐसी किसी भी कला के प्रति आपका रुझान हो, कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। थर्सडे को मेरी बेटी घर, मेरे घर में मेरी नंद और मेरी देवर भी रहते थे, तो वो मेरी नंद बृहस्पतिवार की शाम को बच्ची को लेके कॉलेज आती थी, मिला के ले जाती थी। बच्ची की उम्र वही थी, मैं उस समय बंटी लिख रही थी, जो बंटी की उम्र थी 8-9 साल की थी। तो एक दिन उसका घुटना छिला हुआ था, तो मैंने पूछा कि बेटी ये क्या हो गया, तुम्हारे घुटने में क्या हो गया, तो दोनों बाहें फैला के मेरे गले में डाल के बोली तुम्हें क्या मतलब, तुम अपना बैठ के लिखो, हमारे कुछ भी हो, और रो पड़ी। अब वो मेरी नन बेचारी बड़े प्यार से रखती थी, वो बहुत अच्छे से रखा था उसने, वो सफाई देने लगी, जैसे गिर गई थी, अरे मैंने कहा बच्चे तो गिरते ही है बेटे, तू क्यों चिंता कर रही है, खेलते कूदते गिरते पड़ते ही बड़े होते हैं। पर बच्चे का रोना मुझे इतना विचलित, उस समय तो मैंने उसे कहानी सुनाई, कैंटीन में ले जाके आइसक्रीम खिलाया, ये किया वो किया, लेकिन जब मैं लौटी हूँ मुझे इतना विचलित कर गया कि मैं, मेरा असली बंटी तो रो रहा है, सफर के तकलीफ पा रहा है मेरे बिना, और मैं इस काल्पनिक बंटी को लेके माथा फोड़ रही हूँ। मैंने कहा नहीं मैं तो घर जाती, मुझे नहीं लिखना। और मैंने सचमुच ही सामान बटोरना शुरू किया, और रात को
वार्डी कमरे से जाके घर फ़ोन किया। हॉस्टल में हम लोग के कमरों में थोड़ी फ़ोन होते थे, वहाँ जाके फ़ोन करता, मोबाइल वोबाइल का तो था ही नहीं जमाना। वहाँ जाके मैंने फ़ोन किया कि मैं घर आ रही हूँ, आज टिंकू रोई है और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तब राजे ने कहा कि देखो अब तुम्हारी ग्रिप में आ गया है उपन्यास, जैसा तुम कह रही थी कि बहुत चल पड़ा है, तो अब इसको पूरा करके आओ, नहीं तो तुम जिंदगी में कभी पूरा नहीं कर पाओगी। और वो तुमको देख के ऐसे थोड़ा इमोशनल होगी, देखो मैं फ़ोन उधर घुमाता हूँ, अभी उसकी खिलखिलाहट तुम्हें सुनाई देगी। और सचमुच मुझे हंसने की आवाज़ भी आई उसकी, तो मैं थोड़ी फिर निश्चिंत होकर देखी। तो ये तो जो आप कह रही हैं कि खास करके स्त्रियों के लिए किस तरह मैं समय निकालती थी, 28 दिन में मैं फर्स्ट ड्राफ्ट में तैयार करके घर आई। अब घर में कैसे उसको सेकंड थर्ड ड्राफ्ट की बना तो रचना पूरी नहीं होती है, कम से कम मुझे तो 3 ड्राफ्ट तैयार करने पड़ते हैं। सब लोगों को मैंने ये कह दिया खाना 9 बजे लग जाएगा, जिसको लेट खाना है वो फिर अपने आप मुझे नौकर खिलाएगा खिला देगा, हम लोग खा के उठ जाएंगे। तो मैं और नंदी और बच्चे हम लोग उठ जाते थे, मैंने अपने लिए जगह बना रखी थी, उसमें बैठ के फिर मैं सेकंड ड्राफ्ट, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा, फिर चाहे 12 बजे 1 बजे 2 बजे टाइम का कोई ध्यान नहीं रहता था। इस तरह से करके वो धर्म में सीरियलाइज हुआ था, धारावाहिक रूप से छपा था उपन्यास, तो मैं किस्त दो दो किस्त भेजती जाती थी बस इस तरह से। पर ये जो आप पूछ रहे हैं ये है सचमुच इतनी जिम्मेदारियों के साथ किसी भी कला, चाहे वो लेखन हो, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, चित्रकला हो, के साथ पूरी तरह जुड़ना है बहुत मुश्किल का। महाभूज एक राजनीतिक उपन्यास है, क्या आप अपने व्यक्तिगत जीवन में भी राजनीति से जुड़ी रही हैं? बिल्कुल नहीं, मतलब वो स्टूडेंट लाइफ में जो आज़ादी की लड़ाई में थोड़ा सा उससे अगर कहें तो, इसके अलावा बिल्कुल नहीं। कॉलेज में पढ़ाती थी और घर गृहस्थी करती थी और लिखती थी, इसके सिवा राज। लेकिन आप सोचिए जो दिल्ली शहर में रहता है, केंद्र है दिल्ली शहर, राजधानी है यहाँ देश की, उसके नाक के नीचे जो कुछ होता है एक सेंसिटिव आदमी सब देखता तो है, उसकी प्रतिक्रिया तो उसके मन पे होती है कि कैसे कैसे चुनाव के दिनों में क्या क्या छक्के पंजे। और मैंने जब लिखा था उससे तो स्थिति इतनी बद से बदतर हो गई है आज कि, ये तो 79 में छपा था महाभोज, 78 में लिखा होगा, 78 में, इतने साल हो गए इस बात को भी। तो उस समय शुरू में प्रेरणा मुझे एक बेलची कांड की जो घटना थी उससे मिली थी, पर मुझे देखिए मेरी जो प्रक्रिया लिखने की छोटी सी मैं बताऊँ अगर तुम लोग सुनो तो, नहीं नहीं मतलब ऐसा होता है कोई आइडिया, कोई व्यक्ति, कोई घटना होती है और मुझे क्लिक करती है एकदम से, तो मैं उसको अपनी डायरी में नोट कर लेती हूँ। वो मेरा गोदाम घर है जहाँ से कोई निकाल के रचना है निकाल, मैं उस समय नोट कर लेती हूँ, फिर उस पर सोचती रहती हूँ। ये नहीं कि आज क्लिक यानी आज नोट किया और परसों में लिख दूँ, ऐसा मेरे से नहीं होता है। कुछ लोग कर लेते हैं, मेरे अखबार में होता है कि आज की घटना कल आ जाए। साहित्य कृति जो है वो थोड़ा सा अलग तरह से लिखी जाती है, तो मैं नहीं लिख पाती। तो उस समय लिखा था मैंने बेलची कांड का, पर मुझे लगा कि ये तो बहुत इमोशनल मामला हो गया है। मैंने जो बेलची कांड की रिपोर्ट पढ़ी थी किसी पत्रकार की, कुछ राजीव रंजन कुछ इसी तरह का कुछ नाम था उसका पत्रकार का, वो पढ़ के मैं 2 रात तक सो नहीं पाई कि 13 आदमियों को जिंदा जला के पेड़ से बांध के जिंदा जला दिया, ये चीज़ मेरे लिए। और उसमें एक बच्चा है जो भागना कोशिश कर रहा है तो उसको बांस से वापस आग में ठेल रहे हैं। ये घटना पढ़ के मैं इतनी विचलित हुई थी, उसके बाद तो ये जिंदा जलाने की और दलितों को साथ जाने क्या क्या होता रहा, आग फोड़ने की घटनाएं होती हैं। पर हाँ उस समय ये घटना मेरे लिए थोड़ी सी नई थी तो मुझे बहुत, पर मैंने कहा इस पर अगर मैं लिखूंगी तो बहुत भावुकता वाली रचना हो जाएगी, कुछ वैचारिक आधार होना चाहिए। आप जब भी लिखते हैं तो किसी रचना में भावना भी हो विचार भी हो। तब 6 महीने बाद जिस आदमी ने इनको जलाया था उस आदमी को जेल तो हुई, पर जेल से पैरोल पे छूट के वो आदमी चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ा और थम्पिंग मेजोरिटी से वो आदमी जीता। ये जो मैंने अखबार में पढ़ा
एकदम मुझे लगा कि बस ये दोनों मिलके मेरी कहानी मेरा उपन्यास बन जाएगा। और मैंने फिर इस तरह से लिखा। मैं व्यक्तिगत जीवन में राजनीति से नहीं जुड़ी हुई हूँ। देखिए, राजनीतिक चेतना का निर्माण तो आपके बचपन में हुआ था। आपने बताया कि आपके पिताजी, हाँ पिताजी और जैसे कांग्रेसी विचारों के थे, कांग्रेस में थे, एक तरह से खादी पहनते थे, पर जेल में जाने से बहुत डरते थे, इसलिए एक्टिवली कुछ नहीं करते थे। पर सारी राजनीतिक पार्टियाँ आती थी और मैं सुनती थी, पर वो बहुत कम उम्र में उतनी समझ वमझ थी नहीं। आपके सबसे पसंदीदा लेखक कौन है? पसंदीदा लेखक बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि मुझे एक लेखक का नाम नहीं लूँगी। किसी लेखक की कोई रचना अच्छी लगती है, इस लेखक की ये रचना अच्छी लगी, इस लेखक की ये रचना अच्छी लगी। आपका आदर्श व्यक्तित्व कौन सा है? लेखकों को ही मैंने अपना आदर्श, जब लेखकों के लेखन शुरू किया तो लेखकों के बीच में रहना। और मैं तो बड़ी, जैसे तुम मेरे साथ आई तो बड़ी छुट भैया बन के ना अपने को मान रही हो, मैं भी अपने को कि भाई मुझे सिखाओ, मैं जानूँ कैसे क्या होता है। और ज़रूरी नहीं था कि वो जो बातें कहते थे मैं पूरी तरह ग्रहण ही कर लेती थी, ऐसा नहीं होता था। लिखती मैं अपने ही ढंग से थी, लेकिन लेखक लोगों को जब लिखती थी तो लेखक ही मेरे लिए सब कुछ होते थे उस समय। आपका पसंदीदा शहर कौन सा है? देखो, एक ज़माने मुझे कलकत्ता में छोड़ के आई, बहुत बरसों तक मेरे प्राण वहीं बसते थे, शरीर में बसता था। कलकत्ते में एक जो आत्मीयता है, एक जो अपनत्व है, वो मुझे कलकत्ता पसंद था। पर अब जाती हूँ तो मन नहीं लगता है, अब जाऊँ तो ज़्यादा दिन नहीं रह पाती हूँ, अब यही दिल्ली ही लग, बस बहुत शहर तो देखे, मतलब कि रहने के लिए या तो कलकत्ता रही हूँ या यहाँ रही हूँ। आपको खाने में सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे नमकीन चीज़ें पसंद है, मीठा बहुत कम पसंद है। आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है? मौसम तो सर्दी का अच्छा लगता है, पर इतनी कड़क सर्दी नहीं जैसी आपको पड़ रही है। आप हमें अपने पसंदीदा अभिनेता और अभिनेत्री के बारे में बताएं। भैया, आजकल तो मैंने फिल्में ही नहीं देखी, देखती ही नहीं हूँ बरसों से। मैं फिल्में पुरानी जो मुझे याद हैं, उसमें एक तीन लोगों का एक ट्रियो था, दिलीप कुमार और देवानंद और राज कपूर। उसमें मुझे दिलीप कुमार की एक्टिंग, अगर टॉप वन पे रखना जाए तो मैं दिलीप कुमार, फिर मैं रखूँगी राज कपूर को। आज हमने अपने सहपाठियों और शिक्षकों के साथ सुपरिचित मनु भंडारी से बातचीत की। जिन लेखकों को हम अपनी पाठ्य पुस्तकों में पढ़ते आए हैं, उनसे मिलना, उनसे बातचीत करना हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। मन्नू आंटी बहुत ही आत्मीयता के साथ हमसे मिली, हम उनके बहुत आभारी हैं।